हमें पता है कि हमारी बायोलॉजी 10+1 में 19 चैप्टर्स हैं एंड ये 19 चैप्टर्स फर्दर जो है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके आगे 4 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा था द लिविंग वर्ल्ड हमने फिनिश कर लिया। अभी सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा 4th and 5th मेन टॉपिक किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो 4th मेन टॉपिक किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सभी जो है यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं। इसके कुछ मेंबर्स जो है पार्शली जो है हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ओके, देन इसमें ब्लेडर वॉर्ट आता है और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एग्जांपल्स है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। कसकर्ता जो है एक पैरासाइट है जिसको हम अमरवेल भी बोलते हैं। प्लांट सेल जो है उसमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद अ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। मेनली जो है इसकी किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आते हैं तो इनकी सेल वॉल जो है मेनली सेलुलोज से बनती है। प्लांट्स में इंक्लूड होती है एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के 2 डिस्टिंक्ट फेस आते हैं, डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक और हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक, जो अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे से। लेंथ ऑफ हैप्लोइड एंड डाइप्लोइड फेस जो है वेट एवर दिज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मेनली हमने इसमें यही बोल मैंने आपको बस बताना था कि हमने ये चैप्टर 3 में पढ़ना है किंगडम प्लांटी, एक अलग से चैप्टर है प्लांट किंगडम, और आपने इसका थोड़ा सा ही इसलिए इसमें पोर्शन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, 5th हमारा जो मेन टॉपिक है। तो ये भी हम 4th हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसमें डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसका भी हम ऑनली थोड़ा सा ही बात करेंगे। तो ये जो किंगडम है इसमें हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल जो है नहीं होती है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर फूड, और ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व एज ए ग्लाइकोजन और फैट। इनकी मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजॉइक होती है बाय इंजेशन ऑफ बॉडी। ये फॉलो करते हैं कि डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को और ग्रो होते हैं इनटू एडल्ट, जिनके पास एक डेफिनेट शेप होती है और साइज होते हैं। और हायर फॉर्म जो है शो करती है इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, और मींस में से बहुत ज़्यादातर जो है कैपेबल होते हैं लोकोमोशन करने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है कॉपुलेशन करते हैं, जो फर्दर जो है फॉलो करती है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को। और इसी तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब एक ये टॉपिक में हमने इतना ही डिस्कस करना है, तो अलग से एक चैप्टर है उसके उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको?